तो दोस्तों, क्या आप भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए कुछ इस तरह से AI जनरेटेड इमेजेस बनाना चाहते हो? तो चलिए फिर बता देता हूँ कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है बिंग इमेज क्रिएटर। इसको सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट को ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस वेबसाइट को पहली बार ओपन कर रहे हो तो इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कैसे बनाना है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख लेना और आप इसमें सबसे पहले अकाउंट बना दीजिए। अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा। तो उस प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करना है और वहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर क्या क्या चेंजेस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप एज वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 25 लिखा है, तो उसकी जगह पर आप अपनी मर्जी से एज वगैरह एंटर कर देना। उसके बाद अभी आप यहाँ पर जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट के बना रहे हो उस सोशल मीडिया का आप यहाँ पर नाम लिख देना। जैसे कि यहाँ पर हमने इंस्टाग्राम लिखा है, तो उसकी जगह पर आप यूट्यूब लिख देना। तो अगर आप मतलब आपको अगर यूट्यूब के लिए बनाना है तो यूट्यूब लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर चेंज करते हो नाम, इंस्टाग्राम की जगह पर यूट्यूब लिख देते हो, तो सेम नाम आपको यहाँ पर भी लिखना होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर मैंने अपना यूज़र नेम लिखा था इंस्टाग्राम का, तो उसकी जगह पर आप अपना यूज़र नेम लिख देना। तो ये चेंजेस आपको करना है। उसके बाद अगर आप इसका कलर वगैरह कैसे चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने शर्ट का कलर व्हाइट लिखा है, तो अगर आप शर्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो व्हाइट की जगह पर आप जो भी कलर लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। उसके बाद जींस का भी कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ब्लैक लिखा है, तो उसकी जगह पर आप अपने मर्जी से कोई भी कलर लिख सकते हो। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, थोड़ी देर वेट करना है जब तक ये प्रोसेसिंग कंप्लीट कर देता है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह से इमेजेस बन के आ जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पर इसमें से जो कोई भी इमेज डाउनलोड करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना। लेकिन आप देख सकते हो ये जो है सही से नहीं बना है, तो हम अगला देखते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से कभी कभी यहाँ पर थोड़ा मतलब सही से नहीं बनता, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाता है, तो आपको बार बार क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर इसको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर देना, यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पर इमेजेस डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत से मतलब बार गलत यहाँ पर स्पेलिंग ले लेता है, तो सही से ये जो है लिख नहीं पाता। तो इसको आपको फिर से क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है और फिर से और नए 4 इमेजेस बन के आ जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फिर से जब मैंने क्रिएट बटन पर क्लिक किया दूसरी बार, इसने इमेजेस जो है वो बहुत ही अच्छे से बना दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा इमेज यहाँ पर बनकर आ गया है। तो इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।